जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान का ओल्ड पेपर 2018 का एमपी जेल प्रहरी का। तो जो भी एमपी जेल प्रहरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार का इसमें जो है जो प्रश्न हैं इसमें आते हैं और किस प्रकार का यह पेपर आता है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप एमपी जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9098692991। तो इस नंबर पर आपके लिए जो है मैसेज करना है तो आपके पास एमपी जेल प्रहरी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक आपके यहाँ पहुंच जाएगी। तो इस जो व्हाट्सएप नंबर है इससे अवश्य जुड़ें, इस ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी प्रकार के और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहां तक पहुंचे। तो इसके लिए आप बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर वह है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस खालिस्तान की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाते हैं। आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर सतीश चंद्र, डॉक्टर विधान चंद राय या डॉक्टर सारंगी। तो राइट आंसर यहां पर बताना है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है डॉक्टर विधान चंद राय, आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर तीन। विकल्प नंबर तीन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को खालिस्तान अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो कहां पर, फैजपुरी, कलकत्ता, बॉम्बे या त्रिपुरी। तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर बताना है यहां पर क्या होगा दो का राइट आंसर। तो दो का राइट आंसर है बॉम्बे। विकल्प नंबर तीन आपका राइट आंसर होगा बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव जो है किया जाता है। तो जल्दी से बताइए कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर चार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP योजना खालिस्तान द्वारा शुरू की गई। तो किसके द्वारा यह योजना शुरू की गई, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय या पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर यहां पर बताना है तो इसका राइट आंसर है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, आपका यहां पर विकल्प नंबर चार जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में से एक की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या आपका आखिरी विकल्प है भोपाल। तो किस शहर में, तो आपका राइट आंसर है भोपाल, यानी कि विकल्प नंबर चार आपका राइट आंसर होगा भोपाल। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के रिलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। तो कौन सी वह जनजाति है जो रिलो गीत गाती है मध्य प्रदेश की, वह कौन सी जनजाति है बताना है, मारिया, गौंड, भारिया या भील। तो चार विकल्प आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर बताना है तो छह का राइट आंसर है मारिया, आपका विकल्प नंबर एक जो है यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो यह स्टेशन कहाँ पर स्थित है, दमोह में
सिंगरौली में, बैतूल में या विदिशा में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर 4 विकल्प है, कमेंट में आंसर बताते जाएं अगर आपसे बनता है क्या होगा इसका राइट आंसर, कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है सिंगरौली, यानी कि विकल्प नंबर 2 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंगरौली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई? तो वह कौन सा उद्देश्य था जिसके लिए जो संबल योजना है वह आरंभ की गई? तो आपके लिए बताना है पर्यावरण संरक्षण या सब्सिडीकृत पानी कनेक्शन, सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन या चीता संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर किस उद्देश्य से संबल परियोजना आरंभ की गई? तो आपका राइट आंसर है सब्सिडी कृत बिजली कनेक्शन, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो यहाँ पर बताना है यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 51 बताया है 51 यह क्वेश्चन जब पूछा गया था 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो वह कौन सा खेल है जिसमें स्वर्ण पदक जीता बताइए, ऊंची कूद या गोला फेंक या लंबी कूद या भाला? तो राइट आंसर आपका यहां पर है गोला फेंक, आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर दो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के बीच संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था, उसका नाम यहाँ पर बताना है, उसका नाम क्या था, महेश्वर बांध, बाणसागर बांध, इंदिरा सागर बांध या कच्छल बांध? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर बाणसागर बांध, बाणसागर बांध आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 कि 2018 में, जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम परियोजना का उद्घाटन हुआ था उसका नाम क्या है, उसका नाम है बाणसागर बांध। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सा या सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजावाहक थी या था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर है रानी रामपाल आपका यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने अगस्त में T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो बताइए कौन है, झूलन गोस्वामी, पूनम रावत या हरमनप्रीत कौर या मिताली राज? तो आपका राइट आंसर यहां पर है झूलन गोस्वामी, आपका यहां पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जो वर्तमान में DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। तो 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो जी सतीश रेड्डी आपका जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए, उस मंत्रालय का नाम बताना है यहाँ पर जनजातीय कार्य मंत्रालय, बाल श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है
कि उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताएं जिन्हें 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया था? दलवीर सिंह, सुहाग जोगिंदर, जसवंत सिंह या विक्रम सिंह या बिपिन रावत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर चार विकल्प हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? दलवीर सिंह सुहाग आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर है, दलवीर सिंह सुहाग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा है? दूसरा, सातवां, चौथा या पांचवा? चार विकल्प हैं। तो जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार बताना है, मध्य प्रदेश भारत में दूध का खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका राइट आंसर है चौथा, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली या कोलकाता या मुंबई या बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया? तो कौन सा स्थल चुना गया था? ओमकारेश्वर या भीमबेटका या सांची या खजुराहो। तो इसका राइट आंसर होगा ओमकारेश्वर, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर रिहंद, सोन, बेतवा या नर्मदा। तो राइट आंसर कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर नर्मदा, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यह जो है ओल्ड पेपर था सामान्य ज्ञान का। तो यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एमपी जेल प्रहरी का ओल्ड पेपर है 2018 का, तो कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एमपी जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको जो है इस नंबर पर 9098609291 इस नंबर पर आपके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो आपके पास एमपी जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पहुंच जाएगी, यहाँ से आप जो है एमपी जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।